दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दरअसल राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। राज्यसभा के चुनाव को लेकर के कन्फ्यूजन आज आपकी इस वीडियो में कम्प्लीटली दूर हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आपको समझ में आ रहा है, राज्यसभा का चुनाव अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आने वाले 10 जून को 57 सीटों के लिए देश भर में राज्यसभा का चुनाव होना है। पूरी प्रक्रिया बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले पहली मरतबा जो चुनाव हुआ था 1947 को चुनाव नहीं हुआ था। आमतौर पर लोगों को लगता है कि 1947 में चुनाव हुआ था, जबकि 1947 में चुनाव ये नहीं हुआ था, बल्कि हुआ था 1952 में हुआ था। ये 1952 में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ था। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो गया तो ज़रूरत महसूस हुई एक और सदन की। पहले राज्यसभा नहीं था, तो राज्यसभा का जो गठन हुआ वो हुआ 3 अप्रैल 1952। तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। अब दो सदन हमारे इस पार्लियामेंट में होते हैं, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो एक को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा, और इसको हम लोग कहते हैं लोकसभा। तो लोकसभा को इसको निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं इनकी जो टोटल संख्या होती है ये 250 की संख्या होती है। तो 250 में से टोटल जो होते हैं वो 245 ही सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो भाग है जिसको पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया, जिसको POK हम लोग बोलते हैं, तो POK वगैरह को एक तरीके से उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको छोड़ दिया गया है, यानी 5 सीटें। यानी ये इसलिए छोड़ दी गई हैं ताकि जब भी कोई भी राज्यसभा में बैठे तो ख्याल आए कि अभी भी हमें ये आंकड़ा कंप्लीट करना है, यानी 250 का। क्यों? इसलिए कि जब इसको यानी POK को हम अपने भाग में मिलाएंगे, अपने हिंदुस्तान में मिला लेंगे, तब ये जाकर के हमारा आंकड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही कारण है कि ये 5 सीटें छोड़ दी गई हैं और टोटल जो चुनाव होता है वो 245 सीटों का होता है। हाँ, अभी भी 245 सीटों का चुनाव नहीं होता है। अब चुनाव कितने का होता है? 233 सीटों का चुनाव होता है, 233 सीटों का। और 12 जो सीट होती हैं वो दरअसल राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब होता है मन से उनको चुन लेते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से। और कौन कौन क्षेत्र के होते हैं, यानी आर्ट है, खेल है, साइंस है, इस तरह के कई सारे क्षेत्रों से मिलाकर, जैसे सचिन तेंदुलकर, रेखा को, मेरी कॉम को, इन लोगों को चुना गया था। तो इस तरीके से 12 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के वो मनोनीत होते हैं और राष्ट्रपति उनको अपने मन से चुन लेते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। तो टोटल जो चुनाव होता है वो 233 सदस्यों का चुनाव होता है। अब 233 सदस्यों का चुनाव जाहिर सी बात है एक साथ नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो लोकसभा है ये केवल और केवल 5 साल के लिए काम करता है, 5 ईयर्स। 5 साल के अलावा काम नहीं करता, ये 5 साल में भंग हो जाता है और फिर दोबारा से चुनाव होता है। लेकिन ये जो राज्यसभा होता है ये कभी भंग नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। और इसकी जो पीरियड होता है वो 6 साल का पीरियड होता है। लोकसभा का चुनाव जब रहता है तो हंगामा मचा रहता है, सारे लोग उस पर कह सकते हैं अभी 2024 में चुनाव होने वाला है तो एक हंगामा रहेगा। लेकिन राज्यसभा का इतना चुपके से चुनाव हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है कब चुनाव हो गया। जैसे 2020 में चुनाव हुआ था और फिर 2022 में चुनाव हो रहा है, और इस वक्त जो चुनाव हो रहा है वो कितने सीटों के लिए चुनाव हो रहा है? टोटल 57 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। तो 57 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, चूंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं तो हम उत्तर प्रदेश के संबंध में ज़्यादा बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 हैं, लेकिन चुनाव जाहिर सी बात है एक तिहाई का हमेशा होता है। तो ये 31 में से ये हो रहा है 11 सीटों का चुनाव। तो ये 11 सीटों का चुनाव होगा, ये 10 जून को चुनाव होने वाला है। अच्छा, ये जो 6 साल का जो चुनाव होगा, तो 6 साल के चुनाव में ये साइकिल चलती रहती है, यानी कुछ इस तरीके से चलती रहती है, देख रहे हैं, यूं यूं यूं, ये 2 साल 2 साल 2 साल, हर 2 साल पे चुनाव होता है। और इधर से एंट्री करते जाते हैं सदस्य, इधर से एंट्री करते जाते हैं, इधर से एग्जिट करते चले जाते हैं, यानी एक तरफ से जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं, एक तरफ से निकल रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं, इस तरह से ये पूरा हमेशा चलता रहता है। इसी वजह से ये सदन कभी भंग नहीं होता है, यानी राज्यसभा का कभी भंग नहीं होता है, और लोकसभा का हर 5 साल के बाद भंग हो जाता है, दोबारा से नए सिरे से चुनाव होता है और फिर प्रधानमंत्री का सदन, प्रधानमंत्री चुना जाता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि राज्यसभा के चुनाव के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी जो कैंडिडेट हैं
तो उनकी एलिजिबिलिटी वही है जो लोकसभा के कैंडिडेट के लिए, बस थोड़ा सा फ़र्क इतना ही है कि राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो एज होती है वो 30 साल होती है, यानी इसीलिए इनको बूढ़ों का सदन कहते हैं। हालांकि 30 साल में कोई बूढ़ा नहीं हो जाता है। और इनका जो होता है ये 25 होता है, इनका 25 होता है, इनका 30 होता है। बाकी वही तमाम क्राइटेरिया है जो लोकसभा के क्राइटेरिया हैं, यानी भारत के नागरिक होना चाहिए, कोई अपराध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई उनके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इतना जानने के बाद थोड़ा सा और आपको बता दूं कि जब पहली मर्तबा 3 अप्रैल 1954 को इसका गठन हुआ था राज्यसभा का, तो इसका पहले नाम रखा गया था काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन उसका नाम बाद में बदल करके राज्यसभा कर दिया गया और आज तक उसका राज्यसभा ही नाम रखा जा रहा है। तो इस प्रकार के राज्यसभा का पूरा थोड़ा सा ब्यौरा है, मैंने सोचा कि आपको चुनाव को समझाने से पहले इसकी जानकारी दें। तो अब आइए देखते हैं कि दरअसल होता कैसे चुनाव। तो चुनाव जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल, जैसे कहते हैं प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जैसे मैंने बताया कि 233 के लिए सदस्यों का चुनाव होना है, और जाहिर है कि 1/3 का ही चुनाव होता है, एक बैग 233 का कभी होता नहीं है, हमेशा 1/3 का ही होता है। 233 सदस्यों को अगर हम 1/3 बांटेंगे तो लगभग ये 77 बनता है। अब ये 77 ज़रूरी नहीं कि 77 ही हो, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी कभार किसी का निधन हो जाता है तो इस बीच में चुनाव होना होता है। अभी बहुत सारे चुनाव इससे पहले हो गए थे, तो 2-4 सीटों के लिए इधर चुनाव हो जाते हैं, 10 सीटों के लिए और चुनाव हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। तो इस वजह से पूरा हमेशा ज़रूरी नहीं कि 77 हमेशा ही हो, तो कभी कभी, तो इस बार इसी वजह से 57 सीटों के लिए फिलहाल चुनाव हो रहे हैं। इतना समझ लेने के बाद आइए आपको बताते हैं कि दरअसल अब होता कैसे है। तो चूंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो अब उत्तर प्रदेश से ही हम उसको एग्जांपल सेट करेंगे और उसको हम एग्जांपल वाला एरिया उत्तर प्रदेश का लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की टोटल जो सीटें हैं वो 31 हैं। अब 31 सीटें हैं, तो इसको कुछ इस तरीके से आप समझेंगे कि चुनाव कितने का हो रहा है, चुनाव हो रहा है 11 सीटों का, और इसको वोट कौन लोग करेंगे, ये सब MLA करेंगे, है ना। जैसा कि आपको पता है लोकसभा में जनता करती है, लेकिन राज्यसभा में होता है वो जनता के प्रतिनिधि करते हैं, यानी MLAs जितने होते हैं, विधायक जितने होते हैं, वो तमाम लोग राज्यसभा के लिए वोट करते हैं। अब हमने कहा ये 11 सीटों के लिए चुनाव होना है, तो इसका तरीका ये होता है कि इसमें एक सीट और हम जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक वोट हम और जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है, ये बन जाएगा आपका 12। इसको 12 सही से दिखाइए, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें क्या, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, चलिए हम थोड़ा सा और इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये देखिए ये है 11। अब 11 सीटें मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, तो अब 11 सीटों में एक सीट और हम जोड़ देंगे, उसके बाद में ये बन जाएगा, ये 12 सीट बन जाएगी। अच्छा, अब ये 12 सीट हो गए। अभी टोटल MLA कितने हैं जिनको वोट करना है, तो टोटल MLA जो हैं वो 403 हैं उत्तर प्रदेश में। अब 403 को अगर हम 12 से हम भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 12 से भाग करेंगे तो 403 ये बनेगा लगभग, ये 33 बनेगा। अब 33 में एक और जोड़ लीजिए, ठीक है, तो जब 33 में एक और जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 34। तो ये जो 34 आंकड़ा आ रहा है ना, ये 34 सदस्य यानी 34 MLA मिलकर के एक राज्यसभा के मेंबर को चुनेंगे, ये है पूरा उसका गणित। तो ये उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट हैं, जिसमें से जो 11 राज्यसभा की सीट पर चुनाव होना है, और 11 राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए 33 यानी 34 जो MLA हैं वो एक सीट को कवर कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है BJP के पास कितना है आपको पता होगा, BJP यानी NDA के पास टोटल है 273, और समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास है 125। अब 125 में अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग ये 7 सीटें एकदम कन्फर्म इसकी निकल जाती हैं, और इसकी 3 सीटें एकदम कन्फर्म निकल जाती हैं, ठीक। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा बचता है केवल 7-3-10 हो गए, एक बचा, तो एक सीट के लिए चुनाव होना है, केवल एक सीट के लिए चुनाव होना, और इसी के लिए पूरा माथापच्ची होगी। और माथापच्ची कैसे होगी, अब चूंकि पेज भर गया है हमको मजबूरी में दूसरा पेज लेना पड़ेगा। अब आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये एक सीट के लिए चुनाव होगा कैसे, इसको यहाँ रखते हैं, अब हम नया पेज लेते हैं और आपको दिखाएंगे वो होता क्या है। कि जैसे लोकसभा के आप देखते हैं तो एक EVM एक मशीन होती है, यहाँ पर सब बटन वटन लगे रहते हैं, पता ही होगा आपको, तो यहाँ पर बटन बने रहते हैं और यहाँ पर जाकर के आदमी बटन दबा करके चलाता है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है इसमें, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है, या आपको बैलेट पेपर दिया जाता है और बैलेट के ज़रिए से आपको चुनाव होना होता है। और कैसे होना होता है, ऐसे इसमें क्या होता है, मैं आपको पहले खाँचा बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि
पांच कैंडिडेट खड़े हैं, मान के चलिए एक सीट है, पांच कैंडिडेट खड़े हैं, तो अब पांच कैंडिडेट खड़े हैं, मान लीजिए कि पांच कैंडिडेट खड़े हैं ए बी सी डी ई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। पांच कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अब सबको क्या करना है, इनको जाकर के वोट करना है फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। तो मान लीजिए कि किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस है बी, है ना, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है सी, ये थर्ड, ये ए सेकंड प्रेफरेंस है, डी ये थर्ड प्रेफरेंस है, ई ये फोर्थ प्रेफरेंस है और सी ये फिफ्थ प्रेफरेंस है। इस तरीके से प्रेफरेंस किसी की बने, मतलब पहले नंबर पे इसको चुना, दूसरे नंबर पे इसको चुना, तीसरे नंबर पे इसको चुना, इस तरीके से लोगों ने वोट दिया। तो होगा क्या, इसमें ये देखा जाएगा कि किसके वोट 34 तक पहुंच गए। तो मान लीजिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस बी वाले के वोट 34 तक अगर पहुंच गए तो ये वाला निकल जाएगा, बाकी अब लड़ाई होगी इन चारों के बीच में। अब जो सेकंड, अब जब चारों की लड़ाई होगी तो इसमें देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस का वोट, जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरे राउंड का वोट, तो दूसरे राउंड का वोट किसको पड़ा। तो अगर ये मान के चलिए कि दूसरे राउंड का वोट ए को पड़ गया और ए को इतना वोट पड़ गया कि वो 34 का आंकड़ा पार कर गया या 34 का आंकड़ा पहुंच गया, तो ए निकल जाएगा। बाकी ये जो सी डी ई है ना, तो दूसरे राउंड में क्या होता है कि जिसका सबसे कम होता है उसका वोट काट लिया जाता है। मान लीजिए कि सी और डी का वोट कम था तो इनका वोट काट करके ये डिवाइड कर दिया जाएगा ए और ई के बीच में। अगर ए को ज़्यादा मिल गया तो ए निकल जाएगा, ई को ज़्यादा मिल गया तो ई निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के मान लीजिए निकलना है तीन को, और निकलना है तीन को और यहाँ पर पांच लोग खड़े हुए हैं, तो कुछ इसी तरह का चुनाव होगा। हमने आपको एक एग्जांपल देकर के समझा दिया, बेसिकली कुछ इसी प्रकार का चुनाव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली वरीयता, दूसरी वरीयता। तो पहली वरीयता में तो एकदम फिक्स रहता है कि जिसके पास जितने MLAs हैं तो वो तो निकल ही जाएंगे, लेकिन आमतौर पर दूसरी वरीयता में चुनाव होता है और दूसरी वरीयता में थोड़ा सा कांटे का चुनाव होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा चुनाव है राज्यसभा का जिसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से गुप्त है, क्योंकि ये गुप्त भी है और गुप्त नहीं भी है। यानी लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है या दूसरे जो चुनाव होते हैं ये पूरी तरीके से सीक्रेट होते हैं, लेकिन ये सेमी सीक्रेट होते हैं। इसमें ये होता है कि आप पूरी दुनिया को हल्ला मचा करके नहीं दिखाते हैं कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, लेकिन जो पार्टी का जो ऑथराइज एजेंट होता है उसको आपको दिखाना होता है कि हम आप ही को वोट देने जा रहे हैं। वरना पता चला किसी ने बीच बीच में साड़े काट कर लिया और पता चला आपने वोट देने बजाय अपनी पार्टी के बजाय किसी और को वोट दे करके चले आए, तो गड़बड़ हो जाता है। तो वहाँ जाकर के आपको अपनी पार्टी के अथोराइज मेंबर को आपको जाकर के दिखाना होता है कि भैया हम अपनी पार्टी को वोट दे रहे हैं। हालांकि अगर उसने अपनी पार्टी को वोट नहीं भी दिया तो किसी प्रकार का राज्यसभा में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, पार्टी अपने स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है अगर वो क्रॉस वोटिंग करता है। तो ये कुछ इस प्रकार का मामला था। राज्यसभा का चुनाव किस तरह का होता है, कुछ इस प्रकार का राज्यसभा का चुनाव होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी नहीं था राज्यसभा के चुनाव को समझाना। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस आपको बनाकर कॉम्प्रहेंसिव तरीके से देते रहते हैं। चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा करके सेट पर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फौरन इसकी जानकारी आपको मिले। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।